हेलो एवरीवन एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में कोरिलेशन बाय रैंक ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में लिखा है ऑप्टेन द रैंक को रिलेशन को इफिशियंट फॉर द फॉलोइंग डाटा देखो यहां पे एक्स और वाई का डाटा दिया है इसके लिए हमें रैंक को रिलेशन को तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि अगर आपको रैंक को रिलेशन को इफिशियंट फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या होता है दो टाइप के फार्मूलेस आते हैं पहला आता है फॉर नॉन रिपीटेड रैंक और दूसरा आता है फॉर रिपीटेड हम आपको दोनों फार्मूले बताते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम चेक करेंगे कि रिपीटेड रैंक का फार्मूला अप्लाई करना है या नॉन रिपीटेड रैंक का फार्मूला अप्लाई करना है देखो फार्मूला क्या है ठीक है रैंक कोरिलेशन कोइफिशियंट को आर से शो करते हैं स्मॉल आर से शो करते हैं और इसका फार्मूला है वन माइनस न्यूमरेटर में सिक्स समेशन ऑफ डी स्क्र बाय एन एन स्क्योर माइनस वन ये है फार्मूला रैंक कोरिलेशन का फॉर नॉन रिपीटेड रैंक और अगर रिपीट होती है रैंक तो ऐसे में फार्मूला ये होता है आर इक्वल टू वन माइनस सिक्स और ऐसे में न्यूमरेटर काफी बड़ा हो जाता है और ब्रैकेट में लिखना होता है समेशन ऑफ डी स्क्र प्लस वन बाय ट्वेल्व और ब्रैकेट में एम क्यूब माइनस एम प्लस वन बाय ट्वेल्व ब्रैकेट में एल क्यूब माइनस एल और फिर इसी तरह के आपको टर्म्स यहां पे लिखना होता है जितने बार वो रिपीट होगा उतने बार आपको ये लिखना होता है ब्रैकेट कंप्लीट और फिर डिनोमिनेटर वही है दैट इज एन एन स्क्योर माइनस वन देखिए ये है फार्मूला ये जो पहला फार्मूला है ये फार्मूला है दैट इज फॉर नॉन रिपीटेड रैंक और ये दूसरा फार्मूला है फॉर रिपीटेड रैंक ये जो रिपीटेड रैंक के जो न्यूमरेटर में लिखा है यहाँ पे सिक्स और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है आप कितने बार भी एक्सटेंड करो जितने बार रैंक जो है वो रिपीट होंगी तो आपको अलग अलग अल्फाबेट का यूज करना है यहां पे हमने एम का यूज किए इसमें हमने एल का यूज किए अगले इसमें अगर आप के का यूज करोगे तो वो हो जाएगा वन बाय ट्वेल्व दैट इज़ के क्यूब माइनस के इस तरह से आपको उसको जो है कंटिन्यू करना है जितने बार रैंक रिपीट होंगी उतनी बार और डिनोमिनेटर में है एन एन स्क्यू माइनस वन तो ये दोनों फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए इसके पहले के वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम कवर किए थे वो हमने नॉन रिपीटेड रैंक के लिए कवर किए थे और उसमें हमने ये फार्मूले का यूज़ किए थे और हमने रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट किए थे लेकिन यहां पे चलो देखते हैं कि ये रिपीटेड रैंक के लिए है या नॉन रिपीटेड रैंक के लिए है वो हमें तब समझ में आएगा जब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और जब हम यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करेंगे तब पता चलेगा कि ये रिपीटेड के लिए हमें यहाँ पे सॉल्व करना है या नॉन रिपीटेड के लिए ठीक है फार्मूला तो आप लोगों को समझ में आ गया चलो यहां पे अब टेबल बनाते हैं लेकिन टेबल बनाने के पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे चेक करो क्योंकि देखो फार्मूले में यहाँ पे एन है एन यानी क्या होता है एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स पे कितनी टर्म्स दी है इसका मतलब एक्स और वाई का कितना डाटा दिया है तो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया यहाँ पे एन वो हो गया टेन तो हम यहाँ पे लिख लेंगे here, एन इज इक्वल टू कितना है? एन इज इक्वल टू यहाँ पे टेन है इसका मतलब यहाँ पे एन एन स्क्र माइनस वन में एन का वैल्यू हमें टेन ऐसा पुट करना है चलो ये तो ठीक है लेकिन अब चलो रैंक फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना लिए है इसी के थ्रू हमें यहाँ पे रैंक चेक करना है तो सबसे पहले दो कॉलम जो है उसमें आपको एक्स और वाई का डाटा लिखना है ठीक है यहां पे एक्स और वाई का डाटा आएगा चलो यहाँ पे डाटा पहले लिख लेते हैं तो ये देखिए पहले दो कॉलम में हमने एक्स और वाई का डाटा लिख लिए और अब इसके बाद के कॉलम में आपको रैंक चेक करना है सबसे पहले हम एक्स के रैंक चेक करेंगे एक्स का रैंक हम यहां पे लिखेंगे एक्स के रैंक को हम कहेंगे आर वन और जो वाई का रैंक निकलेगा उसको हम कहेंगे यहां पर आर टू ठीक है यहां पर हम मैंशन कर लेंगे ठीक है यहां पे हम मेंशन कर लेंगे रैंक इन एक्स को हम यहां पे आर वन से शो कर रहे हैं और रैंक इन वाई को हम यहां पे आर टू से शो कर रहे हैं ठीक है थीके? आप कुछ अलग भी नेमिंग दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां पे हमने आर वन आर टू ऐसा लिखे और अब ये दोनों रैंक के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस हम यहां पे निकालेंगे इसका मतलब स्मॉल डी ठीक है जो कि आर वन माइनस आर टू ठीक है दोनों रैंक के बीच में डिफरेंस हम यहां निकालेंगे और फिर जो डी निकलेगा उसका हम यहां पर स्क्योर करेंगे डी स्क्योर ठीक है और लास्ट में जो भी डी स्क्योर रहेगा उसका हम समेशन करेंगे तो चलो सबसे पहले हम यहां पर रैंक चेक कर

एक्स के कॉलम में देखो एक्स के कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फर्स्ट रैंक दो ठीक है और जो सबसे छोटा नंबर है उसको रैंक नंबर टेन आएगा क्योंकि यहां पे टोटल टेन नंबर है इसका मतलब यह है कि पहला रैंक जो है वो वन रहेगा और लास्ट का जो रैंक है वो टेन रहेगा ठीक है देखो यहां पे पहले तो हम ये ऐसा बना लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड रैंक है तो यहां पे ये बनाना जरूरी है देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हमने एक्स के लिए बनाए वाई के लिए भी बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हमने वाई के लिए बनाया क्योंकि हमें रैंक चेक करना है इसीलिए तो चलो सबसे पहले एक्स के कॉलम में देखो एक्स के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर है एटी सबसे बड़ा नंबर एटी है इसका मतलब एटी का जो रैंक है वो हो जाएगा वन तो एटी का रैंक वन हम यहां लिख लेंगे वन इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो 80 है देखो ये हम x के लिए ये वन टू थ्री फोर का यूज कर रहे हैं तो हम हमारा रैंक वन जो है वो चला गया तो हमने उसको कट कर दिए जो रैंक चले जाएगा उसको आपको कट करना है तो रैंक वन चला गया 80 को तो हमने उसको कट कर दिए और अब 80 से छोटा नंबर ढूंढो 80 से छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है एटी से छोटा आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे सेवनटी और सेवनटी देखो एटी से छोटा सेवनटी है लेकिन दो बार है सेवेंटी फाइव दो बार है इसका मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 75 यहाँ पे रिपीट हो हो रहा रहा है है फाइव देखो एटी के बाद ये सेवनटी फाइव सेवेंटी फाइव दो बार है इसका मतलब ये है कि देखो रैंक वन तो चला गया रैंक टू और रैंक थ्री के लिए अब आपको सेवनटी फाइव मिल गया है रैंक टू और रैंक थ्री के लिए सेवनटी फाइव मिला है तो अब किसको रैंक टू देना किसको रैंक थ्री देना इसको टू देना या इसको थ्री देना या फिर इसको टू देना इसको थ्री यहां पे कंफ्यूजन होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे देखो टू और थ्री के लिए रैंक टू और थर्ड रैंक के लिए हमें सेवेंटी फाइव मिला है तो क्या करो ये टू और थ्री का मीन निकालो ये टू और थ्री का एवरेज निकालो तो टू और थ्री का मीन निकालना काफी आसान है देखो टू और थ्री का मीन निकालना है तो क्या करो टू प्लस थ्री को देखो यहाँ पे करके बताते हैं टू प्लस थ्री करो और उसको टू से डिवाइड करो क्योंकि दो नंबर पे रिपीट हो रहे इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किए ठीक है सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का जो रैंक है उसको हमने ऐड कर दिए टू प्लस थ्री ठीक है और उसको टू से डिवाइड कर रहे तो टू प्लस थ्री कितना फाइव फाइव बाई टू तो फाइव बाई टू कितना आएगा तो ये हो जाएगा टू पॉइंट फाइव इसका मतलब ये है कि यहां पे इसको 2.5 और इसको 2.5 ठीक है ऐसा आपको रैंक दे देना है तो चलो यहां पे हम रैंक दे देते हैं ये 75 को हम रैंक देंगे 2.5 और ये 75 को भी हम रैंक देंगे 2.5 ठीक है ठीक है रैंक नंबर वन इसको गया था रैंक टू और थ्री के लिए यहां पे 75 75 थे तो हमने ना उसको टू दिए ना इसको थ्री दिए हमने क्या किए उसको हमने आधा आधा करे ठीक है टू और थ्री को एड किए फाइव हो गया और फाइव का डिवाइड बाय टू करें तो टू पॉइंट फाइव आया तो हमने क्या किया टू पॉइंट फाइव उसको दे दिया टू पॉइंट फाइव इसके दे दिया। इसका मतलब टू पॉइंट फाइव इसका रैंक हो गया ठीक है अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे और नंबर कुछ है जो रिपीट हो रहे वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका मतलब ये सेकेंड रैंक गया और ये थर्ड रैंक भी गया आगे बढ़ते हैं अब फोर से काउंट होगा वन टू थ्री हमारा रैंक जो है वो चला गया अब फोर से काउंट होगा चलो सेवनटी फाइव से छोटा चो, नंबर कौन सा है सेवनटी फाइव से छोटा नंबर आपको दिख रहा है यहां तो क्या डबल से रिपीट हो रहा है क्या देखो सिक्सटी एट डबल से रिपीट नहीं हो रहा है एक ही बार है इसका मतलब यह है कि सिक्सटी एट को आपको नेक्स्ट रैंक देना है कौन सा फोर्थ नंबर का रैंक देना है तो इसको हम फोर्थ नंबर का रैंक देंगे ये फोर 68 से छोटा नंबर कौन सा है 68 से छोटा नंबर आपको दिख रहा है 64 देखो 64 दिख रहा है लेकिन 64 फोर यहां पर कितने बार रिपीट हो रहा है चेक करो 64 फोर यहां पर तीन बार रिपीट हो रहा है देखो 64 फोर यहां भी है 64 फोर यहां भी है 64 फोर यहां भी है इसके पहले हमने 68 को रैंक नंबर फोर दिए थे तो ये रैंक नंबर फोर को यहां पे कट कर लेते देखो ये फोर्थ रैंक 68 को चला गया और अब काउंट होगा फाइव से फाइव से काउंट होगा तो फोर यहां पर अब तीन बार रिपीट हो रहा है 64, 64, 64 फोर तीन बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब यहां पे देखो फोर के बाद तीन बार रिपीट हो रहा है नंबर इसका मतलब फाइव सिक्स सेवन ये फाइव सिक्स सेवन रैंक के लिए 64 आ गया फाइव सिक्स सेवन रैंक के लिए 64 आ गया तीन बार यहां पे 64 है इसका मतलब रैंक फाइव रैंक सिक्स रैंक सेवन के लिए आपको सिक्सटी का आपको रैंक यहां पे तय करना है तो कैसे करेंगे तो जैसा आपने यहां पे किए थे बिल्कुल वैसा ही यहां पे करना है फाइव सिक्स सेवन के लिए है ना तो क्या करो आपके मन में आएगा किसको फाइव देना इसको फाइव देना या इसको फाइव देना किसको फाइव देना तो आपको क्या करना है ऐसा नहीं करना है आपको ये तीनों का फिर से मीन निकालना है जैसे आपने इसके पहले ये दोनों का मीन निकाले थे ना मीन यानी एवरेज बिल्कुल वैसा ही यहां पे ये तीनों का मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है तो चलो वो हम करेंगे तो क्या करो तीनों को ऐड करो फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तीनों रैंक को यहां पे ऐड करो तो आपको यहां पे ऐड करके बताते हैं ठीक है तो फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन ठीक है तीनों को ऐड किए और यहां पे तीन नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय थ्री करो यहां पे इसके पहले दो नंबर थ्रे टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू डिड बाई टे क्योंकि दो नंबर यहां पे रिपीट हो रहे थे इसलिए डिवाइड बाय टू किए क्योंकि दो नंबर दो रैंक का आप एवरेज निकाल रहे इसलिए डिवाइड बाय टू किए यहां पर तीन रैंक का आप एवरेज निकाल रहे इसलिए डिवाइड बाय थ्री करो ठीक है तो फाइव प्लस सिक्स कितना प्लस सेवन कितना ये 18. 18 18 कितना यहां पे सिक्स इसका मतलब ये है यहां पे सिक्स आया इसका मतलब जो सिक्सटी फोर तीन बार रिपीट हो रहा है तीनों को सिक्स ऐसा रैंक जाएगा ठीक है तो ये वाले सिक्सटी फोर को भी रैंक जाएगा सिक्स ये सिक्सटी फोर को भी रैंक जाएगा सिक्स और ये सिक्सटी फोर को भी रैंक जाएगा सिक्स इस तरह से समझ में आया ओके तो फाइनली रैंक फाइव रैंक सिक्स रैंक सेवन चला गया और अब नेक्स्ट रैंक काउंट होगा एट से ठीक है एट से काउंट होगा चलो सिक्सटी फोर तक आ गए थे 64 से छोटा नंबर कौन सा ढूंढो सिक्सटी फोर से छोटा नंबर यहां पे हमें दिख रहा है फिफ्टी फाइव दिख रहा है ठीक है इसका मतलब यह है फिफ्टी फाइव को आपको नेक्स्ट रैंक देना है लेकिन फिफ्टी फाइव यहाँ पे डबल रिपीट हो रहा है क्या चेक करो नहीं रिपीट हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है तो 55 को कौन सा रैंक देंगे 55 को हम देंगे रैंक नंबर एट क्योंकि यहां तक हो गया था रैंक नंबर एट देंगे तो रैंक नंबर एट फिफ्टी फाइव हमने उसको कट कर दिए तो ये हमने दे दिए इसको रैंक नंबर एट अब फिफ्टी फाइव से छोटा नंबर कौन सा है तो वो दिख रहा है हमें यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी दिख रहा है तो फिफ्टी को नेक्स्ट रैंक दो तो एट के बाद यहाँ पे नाइन्थ रैंक जो है वो फिफ्टी को जाएगा ये गया ठीक है तो ये नाइन्थ रैंक को भी कट कर दो और अब जो फिफ्टी से छोटा नंबर कौन सा है तो फोर्टी और इसको लास्ट रैंक दे दो जो कि है रैंक नंबर टेन ठीक है तो इस तरह से हमने और ये टेन को भी हम कट कर देंगे तो ये देखिए एक्स का डाटा हमने यहां पे एक्स का डाटा यूज किए और एक्स में हमने यहां पे रैंक फाइंड आउट कर लिया है पूरी तरह से हमने एक्स का रैंक निकाल लिए अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो चलो वाई के रैंक में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि कन्फ्यूजन कहां होता है सिर्फ इसी में होता है यहां पे ये यह प्लस करना डिवाइड करना ठीक है ना इसी में कं कंफ्यूजन रहता है चलो के टाइम वो क्लियर हो जाएगा चलो वाई का रैंक निकालते हैं इसका मतलब आर टू तो उसके लिए आपको y का डाटा यूज करना है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो y में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ठीक है सबसे जो बड़ा नंबर रहेगा उसको रहेगा रैंक वन और जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसको रहेगा रैंक टेन क्योंकि यहां पे टेन नंबर्स हैं इसलिए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है एटी देखो एटी सबसे बड़ा है और रिपीट हो रहा है कि एटी नहीं एक ही बार है इसका मतलब एटी का रैंक रहेगा वन ये देखो 81 का रैंक दे दिए वन और अब 81 से छोटा नंबर ढूंढो इसका मतलब कट, कट करें अब आपको टू से रैंक यहाँ पे लिखना है टू से चलो 81 से छोटा नंबर कौन सा है 81 से छोटा नंबर है यहां पे 70 दिख रहा है 70 दिख रहा है ठीक है 81 से छोटा है 70 तो 70 डबल रिपीट हो रहा है क्या नहीं इसका मतलब उसको रैंक टू ऐसा हम दे देंगे तो सेवनटी को हमने दे दिया रैंक टू ठीक है तो चलो ये रैंक को भी यहां पे कट कर दो हमने कट कर दिए और अब आगे बढ़ते हैं सेवनटी से छोटा नंबर ढूंढो तो सेवनटी से छोटा नंबर है सिक्सटी एट देखो सिक्सटी एट डबल रिपीट हो रहा है क्या बिल्कुल यहां पे रिपीट हो रहा है देखो सिक्सटी एट यहां पर रिपीट हो रहा है एक दो, दो बार रिपीट हो रहा है सिक्सटी एट दो बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब देखो रैंक थ्री और रैंक फोर के लिए सिक्सटी एट आ गया ठीक है देखो वन और टू तो चला गया था हमने कट कर दिए अब रैंक थ्री और फोर के लिए सिक्सटी एट आ गया देखो सिक्सटी एट दो बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब यह है कि अब आपको क्या करना है थ्री और फोर का मीन निकालना है थ्री और फोर का मीन निकालना है क्योंकि यहां पे सिक्सटी एट दो बार रिपीट हो रहा है और वो रैंक थ्री और फोर के प्लेस पे आ रहा है तो हमने क्या करेंगे अब इनका मीन निकालेंगे जैसा हमने इसके पहले किए थे तो थ्री प्लस फोर तो चलो यहां पे मीन निकाल के बताते हैं आपको तो थ्री और फोर का मीन निकालना है तो थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू करो वो इसलिए क्योंकि यहां पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ना दो बार रिपीट हो रहा है सिक्सटी एट सिक्सटी एट इसलिए डिवाइड बाई टू या ऐसा बोलो यहां पे दो नंबर का मीन निकाल रहा है इसलिए डिवाइड बाई टू जितने नंबर का मीन निकालोगे उतने डिवाइडेड uh, बाय आपको उतना करना है जैसे दो नंबर का मीन निकाल रहे तो डिवाइड बाय टू करो तीन नंबर का मीन निकाल रहे तो डिवाइड बाय थ्री करो फोर नंबर का मीन निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय फोर करो ठीक है ऐसा है तो यहाँ पे देखो थ्री प्लस फोर बाय हो गया थ्री प्लस फोर सेवन सेवन बाई टू है तो दो बार यहां रिपीट हो रहा है तो दोनों को थ्री पॉइंट फाइव ऐसा जाएगा तो ये सिक्सटी एट को भी रैंक गया थ्री पॉइंट फाइव और ये सिक्सटी एट को भी रैंक गया थ्री पॉइंट फाइव इस तरह से ठीक है तो फाइनली जो प्लेसेस यहाँ पे जो रैंक चली गई उसको कट कर दो ठीक है और अब अब जो है रैंक फाइव से काउंट होगा चलो सिक्सटी एट हो गया अब सिक्सटी एट से छोटा नंबर ढूंढो तो सिक्सटी एट से छोटा नंबर है सिक्सटी टू देखो सिक्सटी टू दिख रहा है और वो रिपीट हो रहा है क्या नहीं एक ही बार है तो नेक्स्ट रैंक कौन सा है फाइव तो फाइव से आपको रैंक देना है तो यहाँ पे सिक्सटी एट को देंगे रैंक नंबर फाइव ठीक है इस तरह से दे दिए हमने ओके और इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे अब आपको सिक्स से रैंक देना है ठीक है और अब 62 से छोटा नंबर ढूंढो वो है 60 देखो 60 है 60 डबल रिपीट हो रहा है क्या नहीं इसका मतलब उसको रैंक जाएगा सिक्स तो उसको हम रैंक दे देंगे सिक्स ये हमने रैंक दे, दे दिए सिक्स और ये रैंक हम कट कर दिए और अब सिक्सटी से छोटा नंबर ढूंढो सिक्सटी से छोटा नंबर है फिफ्टी डबल रिपीट हो रहा है क्या नहीं तो उसको नेक्स्ट हम रैंक देंगे नेक्स्ट रैंक क्या है सेवन तो ये हमने देंगे रैंक सेवन और ये सेवंथ रैंक है तो ये कट करो अब 58 से छोटा नंबर ढूंढो तो वो है 50 तो 50 को हम देंगे 50 डबल रिपीट हो रहा है क्या नहीं तो इसको हम देंगे रैंक एट और अब 50 से छोटा नंबर 48 48 डबल रिपीट हो रहा है क्या नहीं तो उसको हम देंगे रैंक नाइन ठीक है जो रैंक चली जा रही है उसको आपको कट करना है एट भी गया नाइन भी गया और अब और उससे छोटा नंबर ढूंढो तो सबसे छोटा नंबर है फोर्टी ठीक है तो सबसे छोटा नंबर फोर्टी उसको जाएगा रैंक नंबर टेन ठीक है तो ये गया और ये टेन का रैंक वो भी हमने कट कर दिए तो इस तरह से ये हमने रैंक इन एक्स एंड रैंक इन वाई यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए ठीक है समझ में आया ये सबसे इंपॉर्टेंट था और अब इसके बाद के कॉलम्स यहां पे पूरा करना है ठीक है तो अब हमें स्मॉल डी फाइंड आउट करना है डी यानी क्या होता है डिफरेंस इन रैंक तो दोनों रैंक को हमें सबसे करना पड़ेगा रैंक वन माइनस रैंक टू करना पड़ेगा ठीक है जो डिफरेंस आएगा वो हमें यहां लिखना है तो आर वन माइनस आर टू करना है ठीक है फोर माइनस फाइव तो ये माइनस वन सिक्स माइनस सेवन तो ये माइनस वन टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव तो ये फिर से माइनस वन टेन तो ये माइनस वन सिक्स माइनस वन तो ये यहां पे फाइव देन वन माइनस सिक्स तो यहां पे माइनस ऑफ फाइव देन टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव तो ये फिर से माइनस वन देन टेन माइनस नाइन तो ये हो जाएगा वन एट माइनस एट ये जीरो एंड सिक्स माइनस टू ये फोर तो ये देखिए हमने यहां पे डी फाइंड आउट कर लिए, यानी डिफरेंस इन रैंक और लास्ट में क्या करना है डी स्क्र करना है यानी जो भी आपने डी फाइंड आउट किए उसका स्क्यर करना है तो ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा 1111 55 का हो जाएगा 25 25 ठीक है ये 11 का हो जाएगा 110 और ये 4 का हो गया 16 तो देखिए इस तरह से ये हमने d स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिए और अब इसके बाद आपको यहां पे समेशन करना है किसका समेशन करना है तो आपको d स्क्वायर का समेशन करना है सिर्फ d का समेशन नहीं करना है सिर्फ d स्क्वायर का लेकिन आपको अगर आपको अगर चेक करना है कि आपने जो सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं कैसे समझ में आएगा कि जो हमने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना है ये डी का समेशन करके देखना है अगर डी का समेशन जीरो आता है तो समझ लो जो आपने सॉल्व किए वो बिल्कुल करेक्ट है डी का समेशन जीरो आना चाहिए हमेशा हर प्रॉब्लम में डी का समेशन जीरो आता है तो चलो यहां पर चेक करके देखते हैं कि जीरो आता है कि नहीं देखो ये फोर और ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन यानी फोर माइनस फोर तो ये जीरो हो गया उसके बाद ये फाइव माइनस फाइव ये भी जीरो हो गया और ये वन माइनस वन जीरो हो गया इसका मतलब अगर आप सभी को सम करेंगे तो आंसर जीरो आता है इसका मतलब जो कुछ भी हमने सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अब हमें डी स्क्योर का समेशन चाहिए देखो डी स्क्योर की सभी वैल्यूज का समेशन करो तो चलो समेशन करते हैं तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ये हो गया यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी प्लस सिक्सटीन तो ये हो गया यहाँ पे सिक्सटी सिक्स देन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट 69, 70, 71, 72 तो फाइनली हो गया यहां यहां पे 72. D square, यह हमने यहाँ पे ऑफ ये हमने फाइंड आउट कर लिए समीशन ऑफ डी स्क्योर और ये हमें मिला है 72 का समेन मिला है ठीक है और अब इसका हमने समेन क्यों किए क्योंकि इसी का यूज करके अब हमें रैंक को रैंक कोरिलेशन रिलेशन कोइफिशियंट फाइंड आउट करना है तो चलो अब हम

ठीक है जो फॉर्मूला हमने लिखे थे वही हमने यहां पे लिख लिए हैं दैट इज वन माइनस सिक्स और ब्रैकेट के अंदर ये ये और यहाँ पे 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 में तो चलो यहाँ पे, अब ये कैसे find out करेंगे वो समझ लो उसके लिए यहाँ पे, जो भी नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे वो आपको यहाँ पे फिर से चेक करना पड़ेगा यहां पर हम लिख लेंगे इन एक्स सीरीज देखो इन यहां पर क्या हो रहा है और y की सीरीज में क्या हो रहा है कितने नंबर रिपीट हो रहे है? उसकी यहां पे लिस्ट बनाओ ठीक है इन x सीरीज तो यहां पे x सीरीज में कितने नंबर रिपीट हो रहे थे तो जो 64 है, 64 है तीन बार रिपीट हो रहा था और आ, 64 तीन बार रिपीट हुआ था और कौन सा नंबर था 75 75 दो बार रिपीट हुआ था तो हम यहां पे लिख लेंगे इन x सीरीज 75 रिपीट्स रिपीट्स फॉर 75 रिपीट्स फॉर टू टाइम्स ठीक है तो हम यहां लिख लेंगे देअर फोर यहां पर एम का वैल्यू यहां पर टू ठीक है सेवनटी फाइव रिपीट फॉर टू टाइम और सिक्सटी फोर सिक्स फोर रिपीट फॉर थ्री टाइम्स ठीक है सिक्सटी फोर रिपीट फॉर थ्री टाइम्स ऐसे में यहां पे हम लिख लेंगे एल हम ले लेंगे एल ये हो जाएगा थ्री ठीक है एक को हमने एम दे दिए दूसरे को हमने एल दे दिए ठीक है तो ये हमने मेंशन करना जरूरी है ये एक्स की सीरीज में हुआ अब वाई की सीरीज में क्या हुआ वो देखो वाई की सीरीज में यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हुए तो वाई की सीरीज में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हुआ वो कौन सा था वो सिक्सटी एट था सिक्सटी एट यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ था सिक्सटी एट दो बार रिपीट हुआ था और कोई नंबर रिपीट हुआ था क्या नहीं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन वाई सीरीज इन वाई सीरीज वाई की सीरीज में क्या हुआ था वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इन वाई सीरीज सिक्सटी एट रिपीट फॉर सिक्सटी एट रिपीट फॉर टू टाइम्स सिक्सटी एट रिपीट फॉर टू टाइम्स ठीक है तो m एक को हमने m दे दिए दूसरे को l दे दिए इसको हमने k दे, दे देंगे k इज इक्वल टू यहाँ पे टू ठीक है इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ स्केलर uh, कांस्टेंट ले लेना है जैसे l m k आप और भी कोई अल्फाबेट ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इस तरह से ये हमने पूरी तरह से मेंशन कर लिया है कि एक्स सीरीज में कितने नंबर रिपीट हो रहे कितने बार और वाई सीरीज में कितने नंबर रिपीट हो रहे कितने बार ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसी का यूज करेंगे और ये जो हमने फार्मूला लिखे हैं इसमें बस सभी का वैल्यू पुट करना है यहां पे m के फॉर्म में ब्रैकेट दिख रहा है तो m का वैल्यू टू है वहां पे टू पुट करो यहां पे ये ब्रैकेट l के फॉर्म में दिख रहा है तो l का वैल्यू थ्री है तो वहां पे थ्री पुट करो वो ब्रैकेट के के फॉर्म में है तो जो के का वैल्यू है टू वो आप वहां पर पुट करो ठीक है और भी अगर यहाँ पे नंबर रिपीट हुए होते तो हमने क्या किए होते ये फ्रैक्शन को जो है और बड़ा किए होते कोई दूसरे अल्फाबेट लिए होते एम एल के देन क्यू लिए होते या पी लिए होते और भी

पुट करो तो इसका आंसर आ जाएगा तो हम इसको इधर सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे आर इज इक्वल टू तो सबसे पहले वन माइनस न्यूमरेटर में है सिक्स और ब्रैकेट में है पहला नंबर है सेवनटी टू प्लस ठीक है वन बाय ट्वेल्व टू क्यूब माइनस टू तो टू क्यूब यानी एट एट माइनस टू सिक्स सिक्स बाय ट्वेल्व तो सिक्स बाय ट्वेल्व यानी ये वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस यहाँ पे थ्री क्यूब माइनस थ्री तो इसका मतलब ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बाय ट्वेल्व तो ये हो जाएगा टू प्लस और वहाँ पे भी टू क्यूब माइनस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इस तरह से और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? तो यहाँ पे हंड्रेड टेन uh, का स्क्वायर यानी हंड्रेड माइनस वन नाइनटी नाइन नाइन्टी नाइन टेन करो तो ये नाइन नाइन जीरो इस तरह से और ये हो गया है बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है तो ये हम लिख लेंगे वन माइनस न्यूमरेटर में है सिक्स इन टू ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में नाइन नाइन जीरो तो ये आंसर आ चुका है जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर तो हम लिख लेंगे जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर इसका मतलब ये है को ऑफ रैंक कोरिलेशन ये हमने फाइंड आउट कर लिया है तो ये हमने फाइनली यहां मेंशन कर लिया है देअर फोर रैंक को रिलेशन आर इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए ये प्रॉब्लम इसके पहले एग्जाम में भी आया था ये था को रिलेशन बाय रैंक ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर टू इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच